सक्से जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया, भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक रूप में किसने परिभाषित किया? आपके ऑप्शन ग्रेनविल ऑस्टिन या फिर दूसरा आइवर जेनिंग्स या फिर C.F. स्ट्रॉन्ग या फिर चौथा K.C. व्हीलर। तो भारत संविधान को अर्धसंघात्मक रूप में परिभाषित किया है K.C. व्हीलर, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट है। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो आपको तो संप्रभुता, संपन्न, लोकतांत्रिक और समाजवादी, ये तीनों शब्द लिखे गए हैं लेकिन साम्यवादी ये नहीं लिखा गया है, ये नहीं दर्शाया गया, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान के प्रारंभ होने की तिथि 26 जनवरी 1950, जी नहीं ये तो गलत है। दूसरा, भारतीय संविधान के प्रारंभ होने की तिथि 26 नवंबर 1949, यही आपका राइट आंसर है। अगला कुछ ऑप्शन और देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जी नहीं 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे, तो ये भी आपका गलत है। और अंतिम है, 1978 में 42वां संविधान संशोधन संपन्न हुआ, जी नहीं सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन संपन्न हुआ था, ये भी आपका गलत है। सत्य वचन आपका जो है वह आपका भारतीय संविधान के प्रारंभ होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर चौथा पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह प्रस्तावना के अनुसार क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित है? आपके ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, जी नहीं ये तो गलत है। दूसरा, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, संपूर्ण प्रभु संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, जी ये भी गलत है। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आप साफ साफ आप देख भी सकते हैं, तीसरा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभु संपन्न, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, जी ये भी गलत है। अंतिम जो है वही आपका राइट आंसर, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर पाँचवा यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का सार तत्व कहा है? आपके ऑप्शन अर्नेस्ट वार्कर या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ग्रेनविल ऑस्टिन। तो आपको बता दें भारतीय संविधान प्रस्तावना को संविधान का सार तत्व कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर छठा यहाँ पर पूछा गया है, संविधान के किस भाग में लोक कल्याणकारी राज्य का विचार समाहित है? ऑप्शन आपके मौलिक अधिकार में या फिर दूसरा मौलिक कर्तव्य में या तीसरा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में या फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो आपको बता दें राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य का विचार यहाँ पर दर्शाया गया, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट है। अगर बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में है 6, ये भी आप नोट कर लीजिए। सातवां जो संपत्ति का अधिकार था उसे यहाँ हटा दिया गया है। और मूल कर्तव्य की बात करें तो यहाँ पर 11 मूल कर्तव्य है, ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर सातवां पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बात करें पहले कि मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, ये तो सही है। दूसरा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जी ये भी सही है लेकिन हमसे नहीं पूछा है। तीसरा, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 21 में वर्णित है, जी नहीं यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 21 में नहीं 20 में वर्णित है, ये आप नोट कर लीजिए। चौथा ऑप्शन जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में वर्णित है, ये भी तो आपका राइट है लेकिन नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, हंटर कमेटी रिपोर्ट का संबंध है, ऑप्शन है 1857 विद्रोह से या फिर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड से या फिर सी बंगाल का विभाजन से या फिर डी असहयोग आंदोलन से। तो आपको बता दें हंटर कमेटी का संबंध जो है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड से, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, ये आप नोट कर लीजिए। बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 में, ये आप नोट कर लीजिए। और चौथा असहयोग आंदोलन, ये आपका 1920 में हुआ था,
ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ऑप्शन दिया गया 20 भाग हैं, या फिर 22 भाग, या फिर 25, या फिर 30। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर आपको आना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग की बात करें तो वर्तमान में 22 ऑप्शन नंबर दूसरा हुआ राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां यहाँ पर पूछा गया, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग के रूप में किसने बताया? ऑप्शन है आइवर जेनिंग्स, या फिर ग्रेनविक ऑस्टिन, या फिर अर्नेस्ट वार्कर, या फिर माइनर विनर। तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया गया है, ऑप्शन नंबर पहला वा राइट, आइवर जेनिंग्स ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 की बात करें, पूछा निम्नलिखित में कौन सा ठीक ढंग से सुमेलित नहीं है? घटना दिया गया, वर्ष दिए गए हैं। बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 जी ये सही है। मुस्लिम लीग की बात करें 1906 जी ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 जी ये भी सही है, लेकिन लखनऊ समझौता 1908 नहीं, ये आपको 1916 है, ये आप नोट कर लीजिए, यही आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन अनुच्छेद 71, या फिर अनुच्छेद 72, ऑप्शन तीसरा अनुच्छेद 69, या फिर अनुच्छेद 70। तो आपको बता दें राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान किया गया अनुच्छेद 72 में, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा संसद का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है आपका लोकसभा अध्यक्ष, बी है लोकसभा का उपाध्यक्ष, सी है राज्यसभा का उपसभापति, और डी है राज्यसभा का सभापति। तो पूछा है कौन संसद का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 14 राज्यसभा का सभापति आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 14। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, स्पीकर संबोधित करते हुए अपना पद छोड़ देगा किसके लिए? ऑप्शन दिया गया है डिप्टी स्पीकर, पी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा का सभापति, या डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो स्पीकर संबोधित करते हुए अपना पद छोड़ देगा डिप्टी स्पीकर। ऑप्शन प्रश्न नंबर 15 पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के मानवाधिकार का वर्णन है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1974, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 79, डी अनुच्छेद 75। तक बता दें 1976 ऑप्शन नंबर दूसरा हुआ राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 की बात कर, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है किस में? अनुच्छेद 109 में, या फिर अनुच्छेद 110 में, या फिर अनुच्छेद 111 में, या फिर अनुच्छेद 108 में। तो आपको बता दें इसका उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपका है दूसरा, अनुच्छेद 110 आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पूछा है, राज्यसभा विघटित होता है कितने वर्षों में? ऑप्शन है 5 वर्षों में, दूसरा 6 वर्षों में, तीसरा राष्ट्रपति की सलाह पर, या चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर का राज्यसभा विघटित होता ही नहीं, ऑप्शन नंबर 14 उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 14 इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 पूछा गया, संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, या फिर बी है लोकसभा का उपाध्यक्ष, या तीसरा है राष्ट्रपति, या चौथा राज्यसभा का सभापति। तो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर पहला वा राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 पूछा गया, मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में कौन जाना जाता है? काफ़ी चर्चित, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न, उत्तर आपको आना चाहिए। ऑप्शन है संसद, बी है मंत्रिमंडल, सी है सर्वोच्च न्यायालय, या फिर डी है राष्ट्रपति। तो मूल अधिकारों के संरक्षक रूप में हम सुप्रीम कोर्ट को जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारा संरक्षण करता है मूल अधिकारों का, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सर्वोच्च न्यायालय आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 पूछा गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन राष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री, या फिर संसद, या फिर उपराष्ट्रपति। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 से हटाए जाने मृत्यु त्यागपत्र की दशा में होने वाली राष्ट्रपति पद की रिक्ति को कितने समयावधि पर भरना अनिवार्य है? ऑप्शन है 3 माह के अंदर, या फिर 6 माह के अंदर, या फिर 9 माह, या फिर 1 वर्ष। तक बता दें ऑप्शन आपका 6 माह राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा 6 माह के अंदर उस पद को भर देना चाहिए, अनिवार्य माना गया, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित करता है? अनुच्छेद 52, या फिर अनुच्छेद 53, या फिर अनुच्छेद 74, या फिर अनुच्छेद 71। तो आपको बताते 22वां का उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर तीसरा वा राइट है, सॉरी दूसरा वा राइट है, 53 आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 से उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कौन पारित करता है? ऑप्शन है राज्यसभा,
बी है लोकसभा, सी मंत्रिमंडल, डी है विधानसभा। तो आपको बता रहे उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करता राज्यसभा। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 की अगर हम बात करें, पूछा गया भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल शामिल कौन कौन होते हैं। ऑप्शन है संसद के निर्वाचित सदस्य, जी नहीं गलत है, दूसरा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जी यही आपका राइट आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत है, संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी गलत है, और जो अंतिम आपका लोकसभा और विधान परिषदों के सदस्य, ये भी गलत है। तो भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य ऑप्शन नंबर जो आपका है दूसरा वराइट है। देखते हैं अगला और आज का अंतिम प्रश्न। पूछा गया राज्यसभा की अधिकतम अनुमानित संख्या कितनी है। ऑप्शन 250 या फिर 300 या फिर 552 या फिर डी है 545। तो आप बता दें राज्यसभा की अधिकतम अनुमानित संख्या है 250। आप पाला इसका राइट है। तो ये रहा दोस्तों संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का संग्रह। चैनल से जुड़े अगले अपडेट तक जय।